दोस्तों छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग का 291 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसके एडमिट कार्ड को लेकर, फिजिकल डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे। एक बात बता दूं यार, अब ना उसका उम्मीद आप छोड़ दो, क्योंकि साल बीत गया भाई, नया साल चालू हो चुका है, वो भी दूसरा महीना आ चुका है 2023 का। इसके बावजूद भी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है सीजी फॉरेस्ट गार्ड का 291 पद के एडमिट कार्ड को लेकर। आप सब लोग यार इसी तनाव में हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा। अब उम्मीद छोड़ दो यार, ये भूपेश बघेल की सरकार जो है ना बस वादा करती है, और भूपेश बघेल की सरकार ये बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत कम हो गई है, सभी राज्यों से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी कम नहीं, उतनी ही बेरोजगारी और बढ़ रही है। 291 पदों पर भर्ती जारी करता है, साल बीत गया, नया सत्र चालू हो गया, इसके बाद भी कोई खबर नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर में कई बार ये छपा था कि अब एडमिट कार्ड आने वाला है, अब फिजिकल डेट आने वाला है, लेकिन घंटा ना एडमिट कार्ड आया ना फिजिकल डेट आया। सिर्फ यार सस्पेंस पे सस्पेंस दिए जा रहे हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर तनाव की स्थिति में भाई, क्योंकि सामने वाला बंदा तो यही सोच के तैयारी करेगा ना कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, अब मैं तैयारी करूँगा। अब बंदे का उम्र भी धीरे धीरे निकल गया, तैयारी तो कर लिए थे, अब पूरा डिप्रेशन में आ गए हैं। मैं मानता हूँ यार आप लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, लेकिन यार अब क्या ही करें, अब जब आए तब आए, मुझे नहीं लगता यार अब कब आएगा, क्योंकि साल बीतने के बाद यार कोई भी उसके बारे में नोटिस जारी कुछ भी नहीं हो रहा है। वेबसाइट में मैं बार बार विजिट करके देख रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा एडमिट कार्ड को लेकर। पहले तो न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी होता था कब एडमिट कार्ड आने वाला, अब तो वो भी नहीं होता। भाई उम्मीद छोड़ दो यार, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार वही जाने। आप लोग यार दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, इस एग्ज़ाम को भी ध्यान मत दो, जब आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा सोच के चलो। क्योंकि यार एक एग्ज़ाम के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड जिसका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, फिजिकल डेट का ना तो कोई अता पता है, ना तो कोई कुछ है, और इसके लिए हम लोग पीछे जी जान मेहनत करते रहेंगे और आए गए नहीं तो कोई मतलब नहीं, साल भर बाद हो जाएगा। तो दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करो भाई, और हो सके तो कोई आप अच्छा सा कुछ काम वाम कीजिए यार, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यार ये लोग दे रहे हैं कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है भाई। सब स्टूडेंट टेंशन में यार, ज़्यादा हो रहे ना तो सब स्टूडेंट मिलकर आंदोलन करो, जितने भी फॉर्म भरे ना सभी कैंडिडेट से मैं यही कहूँगा कि आंदोलन करो यार, कितना समय इतना लेट क्यों हो रहा है। यहाँ तो CGPSC का अभी एग्ज़ाम हुआ, ये सब एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये फॉरेस्ट गार्ड को ही रोक के रख दिया, यही समझ नहीं आ रहा है। और चपरासी का फॉर्म आया, उसका भी एग्ज़ाम हो गया, और व्यापम के माध्यम से, PSC के माध्यम से जो भी भर्ती आ रही है, तुरंत 10-15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड ही ऐसा है जिसको अटका के रख दिया भाई, समझ नहीं आता यार क्या कर रही है। तो सब लोग यार विरोध करो, ट्विटर में टैग करो CM भूपेश बघेल को, फॉरेस्ट गार्ड के मिनिस्टर को, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे में यार बस हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे, बाकी कुछ हो पाएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, सब लोग मिल के टैग करेंगे, ट्रेंडिंग में धूम मचाएंगे, जल्दी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, वीडियो को जितना हो सके ट्रेंडिंग सेक्शन में लाओ, ताकि सब मिल के यार इसका विरोध करेंगे।